गाइस आराम से भाई साहब। नक यार इधर कौन कौन है यार? आज इतने लोग आएंगे हाय नमस्ते जोहार सभी को द कैप्टन 390 ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भाई 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 भाई, भाई, भाई। इधर तो पूरा जमावड़ा लगा हुआ यार, इधर कौन कौन है यार? जितने लोग आएंगे कल गए थे बेतला तो उधर से आते समय बहुत 8-9 बज गया था समझा। गुड तुम इधर ही है। गुड मॉर्निंग। अरे 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 आ जाओ, पहला राउंड हो रहा है यार। ये अरे अरे तुम यही है। गुड मॉर्निंग। गाड़ी क्रैश हो गया 390। किसका चेंबर फट गया। किसका यार? 390 का। ठीक है ना तुम? हाँ विली मारा था। Now it's fine. So, हम लोग ने 360 भी लगा लिया। अब देखते हैं बढ़िया बढ़िया एंगल आएगा तो कुछ नया करने की कोशिश। तो फाइनली अब निकलते हुए हम लोग यहाँ। अरे रुक जा चाचा रुक जा। हेलो हाय आ जाओ जल्दी से आ जाओ, नहीं तो सब इतना तेजी भाग जाएगा ना कि मैं पीछे नहीं कर पाऊंगा लोगों को। पीछे लगा हुआ वो ना निकल जाए कहीं। भाई साहब भाई साहब लोगों की भीड़ देख रहे हो आप। अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो, पीछे छूटने वाला बात नहीं है। डेंजरस हो सकता है कोई भी चीज यार हम लोग को। बच्चे लोग हम लोग को चेज करने की कोशिश में यही दिक्कत रहता है सबसे ज्यादा, इसलिए मैं स्टोरी डालना बंद कर दिया आपने, क्योंकि भाई वो लोग हम लोग को चेज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतने दिन से आ रहे थे हम लोग को पता है, फिर भी हम लोग से मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट वो लोग तो न्यू है ना यार। सोचे कि भाई साहब देख रहे हो आप जबरदस्त वाला सीन है। भाई वो डर सा गया था। Hey!
जाता है तो बीच बीच में ऐसी बिजली चलते रहेगा इधर। ओ भाई साहब, किनारा सटाता हुआ सब। मेन कॉर्निंग बहुत हार्ड कॉर्निंग है, देख के आराम से आराम से आराम से आराम से बॉयज, आराम से गाइज, आराम से। 390 वाला न्यू है यार, मुझे उस पर डर लग रहा है, जोश में है, थोड़ा होश में रह जाए बस। अरे चचा रुको ना, आप कहे छटपट, कहे इतना छटपटा रहे हो, बस हो गया, लग गया है। अरे लड़का, भाई साहब जाने ही नहीं दे रहा ये लोग, भाई बाप रे, इतने लोग आए हुए यार, कसम से इतना ज्यादा भीड़ आया हुआ है, इतना ज्यादा भीड़ है। अरे संदीप कैसा, गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया? सामने भी गड़बड़वा दिया। अरे भैया हाँ, गुड मॉर्निंग। छोड़ना उसके साइड में मत रहना, उससे दूर रह। हाँ नीचे हमको भी उधर ही जाना है। डोमिनेटर अभी आया है कि पहले आ गया ये लोग? अरे सर, अरे गले मिलो यार। थैंक यू यार। अभी थोड़ा सा सेक्सी लग रहा है वो, ऐसे ही इसीलिए छोड़ दिया है। अबे खींचो मत यार, तू लोग क्या करके खींचता है। और ये रास्ता हम लोग को सीधे नदी रिवर वाले एरिया पे लेके जाता है, तो रिवर वाले एरिया पे जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और बहुत ज़्यादा भीड़ था। थोड़ा सा भी मिस्टेक वहाँ पास आपको चोट पहुँचा सकता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रिवर साइड एरिया में, और ये देखो ये यहाँ की यादें मेरे लिए बहुत दुखद है। मैं यहाँ आता हूँ तो जब भी मुझे स्नेहा दी और देवाशीष सर का याद आता है, बट अब कुछ किया नहीं जा सकता, जो होना था वो हो गया। बट देख लो, मुझे इस चीज पे भरोसा नहीं है कि यह नदी कभी विकराल रूप अदा करती है। एक बार और सुना तो दादी को सुना। तो दादी दादी को छेड़ता हुआ तो फाइनली नीचे उतरते हुए हम लोग। ऑफ रोडिंग का मजा लेने जा रहे भाई, ऑफ रोडिंग का। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, कितना खूबसूरत है ये नदी और उतना ही खतरनाक भी। तो हम लोग तो आ गए हैं अभी, और आप देखो और इंजॉय करो इस चीज़ को। अभी दिखाता हूँ आपको इधर का एरिया, कितना ऑफ रोडिंग है और कितना मज़ेदार है सीन इधर का। तो बहुत लोग आए हुए इधर, घूम लिया आप लोग? गुड मॉर्निंग, तब सीधे घर? तो भाई साहब देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग, और ऑफ रोडिंग है टोटल इधर का। तो ऑफ रोडिंग जो बाहर के देखने वाले हैं जो पतरातू से नहीं है, देख लो कि पतरातू में ये ऐसा लोकेशन भी है जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मज़ेदार है। तो हम लोग किधर रुकेंगे वो देख लेते हैं। ओ भाई बर्नआउट मार रहा है लौंडा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पतरातू रिवर साइड। ओके देख लो आप लोकेशन,
कितना प्यारा है लोकेशन यार ये। आ चुके हैं, ये एरिया चेकआउट करो गाइज, मीन्स कितना खूबसूरत है ये। ये नदी है, ये पहाड़ है और ये पानी कितना नीट एंड क्लीन है यार भाई साहब, मजे मजे। तो ये देखो बाइकर्स का जमावड़ा रहता है पतरातू में, यहाँ पास बाइक, वहाँ पास बाइक, वहाँ पास बाइक्स, अभी और बाइक्स आ रही हैं, मतलब बाइक्स ही बाइक्स, मतलब अलग ही वाइब है। ये देख रहे हो आप क्या एडवेंचर हो रहा है भाई, ये डोमिनार को पानी में डाल दिए यार, क्या बात है, अटक गया। यहाँ पास अपना बाइक का लाइनअप और ये छोटा ब्लॉगर और इधर मेरे भाई लोग हैं जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं तो सभी लोग हैं यहाँ बस, और बहुत सारा प्यार मिला इन लोगों के द्वारा मुझे इधर देखो वो भी है यहाँ सभी लोग हैं। तो मेरा वीडियो देखते हो कैसा लगता है, कुछ कुछ टिप्स देना चाहते हो जो सुधार करना चाहते हैं या कुछ भी वैसा? जब तक मैं सीखूंगा नहीं तब तक मैं रोड पे उतर के नहीं मारूंगा, अगर मैं गिरा तो मैं खुद का मजाक बनाऊंगा और साथ में बाइक, हाँ इसीलिए जब मैं सीख जाऊंगा तो जरूर मारूंगा। तो यहाँ भाई लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और फिर से एक बार देख लो, मैं लोकेशन पहले ही सिनेमैटिक्स में दिखा चुका हूँ कितना खूबसूरत है ये, और यहाँ बाइक अपना और पीछे भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो आप पीछे देख सकते हो, कोई नदी में उतारा हो वहाँ देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा जगह है, आइए बट यहाँ गंदा मत करिए। आप लोग आते हो खाते पीते हो ऐसे ही फेंक देते हो, तो वो चीज़ नहीं करना है यहाँ पास, और शराब पी करके इधर ग्लास तोड़ देना या बोतल तोड़ देना वो सब चीज़ अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं तो ऐसे में चोट लग सकता है या पैर कट सकता है, वैसा सीन हो सकता है, तो वैसा से बचना चाहिए हम लोग को। और इन्जॉय करिए यहाँ पास आकर के, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है पतरातू, एक अपने आप में एक अलग वाइब लाता है, और ऊपर से ये नदी वाला एरिया, इसके तो क्या ही कहना। ओ हो ओ, 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 हट जाओ बाबू भाई साहब, नक यार खतरनाक ऑफ रोडिंग है। तो फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, अपना ग्रुप निकल रहा है पूरी तरीके से, क्या क्या बात है ब्रो, बहुत बढ़िया। तो मेरा ऑलमोस्ट दिखा रहा है 50 किलोमीटर, और यहाँ मुझे पिटोरिया में जाकर के तेल भरना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। चलो जय बजरंगबली, चलो हाँ चलो ठीक है, हाँ मेरा टच कर गया था फुटरेस्ट।